लॉन्चिंग स्वामी जी सॉन्ग लॉन्चिंग रेखा भारद्वाज और रवि के उत्सव के हाथों किया गया। इस सॉन्ग का लॉन्चिंग किया इस सॉन्ग गाते समय रेखा भारद्वाज और रवि के वत्स ने इस गाने को झूम कर गाया है। इस लॉन्चिंग 13 तारीख अंधेरी में किया गया है। स्वामी जी सॉन्ग लॉन्चिंग करते समय कई कलाकार डॉक्टर मौजूद थे। रेखा भारद्वाज का नाम सुनते ही उनके कई नगमे कानों में गूंजने लगते हैं। जब भी उनकी आवाज़ सुनते हैं तो लगता है जैसे कहीं चमन से फूलों की खुशबू आ रही हो या सामने कोई मासूम सा बच्चा बैठा बड़ी शोकी से मुस्कुरा रहा हो। 2 फिल्मफेयर अवार्ड और 1 नेशनल अवार्ड जीत चुकी रेखा हिंदी के अलावा मराठी, पंजाबी, बांग्ला और मलयालम। चिड़िया सब देश की चिड़िया बोलते अपने आवे स्वामी जी अपनोने आवे स्वामी जी चिट्ठियों ने भेजे अपनोने आवे स्वामी जी चिट्ठियों ने भेजे भेजी दिल खिन छुटका भाई भेजी दिल खिन छुटका भाई कैसे कहिए जी के हाय। गाता है उससे पहले की जो प्रोसेस है अगर आप कबीरा बोलते हैं तो प्रीतम और अमिताभ भट्टाचार्य और अयान मुखर्जी डायरेक्टर उन सब का कलेक्टिव वो एक क्रिएशन था और जिसको मैंने आवाज़ दी। सेम वे डार्लिंग विशाल भारद्वाज गुलजार साहब का क्रिएशन था या और जो भी आप गाना आप बोल रहे हैं तो इसमें मैंने जैसा कि कहा कि रविकेश इनके ब्रदर का नाम मैं भूल गई रविशेख तो इन दोनों ने लिखा और फिर इन्होंने उस धुन को धुनबद्ध किया। आशीष ने इतना सुंदर उसको प्रोड्यूस किया म्यूजिकली तो मैंने तो सिर्फ गाया है इनके साथ तो हमारी एनर्जी बहुत अच्छी हुई है और हम इंशाल्लाह बहुत काम साथ में करेंगे। लेकिन ये गाना हमारी जो कोशिश है कि ये बिलियंस है ना हमारी पॉपुलेशन या उससे भी ज़्यादा है तो हमारी चाह बिल्कुल नहीं है कि हमारी खरबों तक पहुँचे गाना। लेकिन मुझे लगता है कि अगर हमारे सुनने वाले 100,000 लाखों और या कुछ करोड़ों में हैं उन तक पहुँच जाए बस गाना पहुँचना चाहिए फिर उसका अप्रिसिएशन हर गाने को हर फिल्म को हर गीत को हर नगमे को अपनी ऑडियंस मिलती है। हर तरह का म्यूज़िक सुनने वाले मुझे सारी दुनिया तो नहीं सुनती लेकिन जो सुनती है वो ऐसा सर आंखों पे रखती है। आपका प्यार है जैसे आपने कहा उन्होंने कहा आप सबका प्यार है जो हम अब तक मतलब मैं अपने लिए कह सकती हूँ मैं बहुत मतलब दिल से यंग हो सकती हूँ उम्र में तो मैं बढ़ ही रही हूँ तो उस वक्त भी अगर कोई मुझे इस लायक समझे कि मैं ये गाना गा सकती हूँ। और इसका टाइटल कितना खूबसूरत है पहले मुझे लगा स्वामी जी गाने का टाइटल है तो कुछ ये गाना शायद स्वामी जी मतलब कोई स्पिरिचुअल मास्टर के लिए बट व्हेन ही टोल्ड मी जो कि हमारी संस्कृति में एक्चुअली है कि आपका जो हस्बैंड है आप उसको स्वामी मानते हैं कितनी खूबसूरत फिल्म भी थी स्वामी टाइटल से तो मुझे लगता है कि बहुत ही ज़बरदस्त इतना एनर्जेटिक सॉन्ग है ये लकी हूँ मैं मतलब कौन नहीं गाना चाहता है इनके साथ कौन नहीं काम करना चाहता है इनके साथ ब्लेस्ड फील करता हूँ। और जर्नी की बात वही है जो मैम ने कहा कि हमने गाना जब बनाया तो हमने सुनाया पहले हमने गाना सुना इनको गाना अच्छा लगा फिर हम मिले स्टूडियो में हमने रिकॉर्ड किया और सबसे बड़ी बात है कि जिनको आप सुनते हैं वो जिनको आप पसंद करते हो उनके साथ अगर काम करने का मतलब फ़ैन बॉय मोमेंट था मेरे लिए तो ये मतलब इनको सुना है और इनके साथ खड़े हैं मैं उस दिन गा भी नहीं पाया था
उसमें अगले दिन रिकॉर्ड किया था मैंने, तो ये वैसी वाली बात है। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही था, वो पर ऐसा दिखाई नहीं दिया ना लगता, और मुझे लगता है कि वो एक आपकी प्यार है अंदर से, और आप जो हमें इज्जत देते हैं गाने से प्यार करते हैं, इसलिए वो इज्जत में ये वाली बात है, क्योंकि वो संस्कार है, नहीं तो मतलब क्रिएटिविटी में तो कोई वो नहीं है, देर आर नो बैरियर्स, स्पेशली जब आप म्यूज़िक का बात करते हैं, म्यूज़िक करते हैं कुछ साथ में काम करते हैं, तो आई एम श्योर अगले गाने में नहीं होंगे। तो मुझे कोई ऐसी नर्वसनेस नहीं दिखी, हमने वीडियो में आप देखेंगे कि हमारी एक कलेक्टिव जो एनर्जी है ना, वो आपको ज़रूर फील होगी, वो मुझे बस कोई भी कोई डिज़ाइंड वीडियो नहीं है, और उसमें बस जो दिल से जो फील हुआ हमने वो गाने को एंजॉय किया है बस। रविकेश जी आपसे जानना चाहूँगा, इतनी सारी चीज़ें करना कंपोज की।